अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं ठीक ठाक इंशाल्लाह आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं कर रही हूँ मेकअप ट्यूटोरियल। ये मेरा ड्रेस है जिसका ये बॉर्डर है और बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस पर, तो और कोटी टाइप इसमें स्टाइल बना हुआ है और ये नेक स्टाइल है और ये स्लीव्स का स्टाइल है कि स्लीव्स पे इतनी छोटी छोटी करके उन्होंने बेल लगाई हुई थी और ये स्लीव्स का स्टाइल और ये पूरा पजामा है, पजामे है और ये है दुपट्टा। ये भी बहुत खूबसूरत कढ़ाई हुई हुई थी इस पर बिल्कुल बारीकी से। अब इस ड्रेस के साथ मैं पहनने लगी हूँ ये ब्रेसलेट, स्टोन्स वाला ब्रेसलेट। ये वॉच पहनूँगी और वॉच के साथ मैं पहन रही हूँ ये दो अंगूठियाँ पहनूँगी, एक थोड़ी सी हैवी एक थोड़ी सी लाइट है, और ये इयररिंग्स पहनूँगी। नाउ अब स्टार्ट होते हैं। और बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए सबसे पहले मैंने अपने बालों को का जोड़ा बना लिया। फिर उसके बाद अब मैं सबसे पहले अपने स्किन को मॉइस्चराइज करूँगी। इसके लिए मॉइस्चराइज़र मैं वैसलीन का यूज़ करती हूँ, लाइट पिंक शेड, और ये ख़त्म हो गया था बहुत मुश्किलों से निकाला। अब अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। फेस पे अप्लाई अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम फिर अपने बालों को पीछे करेंगे और सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर। और ये कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास जो भी कंसीलर आप बोला हो, ये तो मैं ऐसे ही ट्राई करी कि तैयार हो रहे थे सोचा वीडियो बना लूँ। तो कंसीलर करने के बाद अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से इसको टैप 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 कर दूँगी। टैप 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 करने के बाद फिर मैं उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती, मैं बेबी क्रीम यूज़ करती हूँ। फेयर लवली की बेबी क्रीम और फेयर लवली, इन दोनों को मैं मिक्स करके लगाऊँगी। थोड़ी सी मैं लूँगी बेबी क्रीम और थोड़ी सी मैं लूँगी फेयर लवली, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके पूरे फेस पर अप्लाई कर दूँगी। अच्छी तरीके फेस पर अप्लाई करने के बाद मैं जो मेरे हाथ में थोड़ा सा बचेगा वो मैं अच्छे से मिक्स करके अपनी नेक पे अच्छे से लगा लूँगा। फिर उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से टप 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 करके पूरे फेस पे अच्छे से अपना फेयर जो मैंने फाउंडेशन बनाया था वो लगा दी। फिर जब मैं थक गई तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को बोल के रगड़ना शुरू कर दिया, लेकिन खैर नहीं, अच्छे से आप जितना टैप टैप करेंगे उतना अच्छा होगा। फिर उसके बाद आप जितना अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी बेस लगेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं अपने फाउंडेशन को अच्छी तरीके से स्किन में लगाने के लिए फुल तरीके से टैप 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 कर रही हूँ। अभी अच्छे से मैंने लगा ली फाउंडेशन, अब मैं करूँगी फेस पाउडर लगाऊँगी। मेरे पास ये फेस पाउडर और उसको मैं एक दूसरे स्पंज से अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी ताकि हमारी जो फाउंडेशन है उसका रिज़ल्ट अच्छे से आए। मैंने अच्छे से फेस पाउडर को अपने फेस पे अप्लाई कर लिया था। फेस पे अप्लाई करने के बाद फिर मैंने अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने फिर आईब्रोज के लिए आईब्रो पेंसिल और आईब्रो ब्रश और स्पूलिंग बताया। और फिर मैंने जो आईब्रो पेंसिल है वो पहले अपने ब्रश पे लगाई और फिर उसके बाद आईब्रोज जो थी उनको फिल कर लिया। अच्छे से फिल कर लूँगी, फिल करने के बाद उनको अच्छे से कॉम कर लूँगी। मुझे कोई भी शेप देना बिल्कुल नहीं पसंद और अक्सर लोग बोलते हैं ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर की आईब्रोज मत बनाया करें, ब्राउन कलर की बनाया करें, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ब्लैक ही अच्छी लगती है। तो फिर अच्छे से ब्रश करने के बाद अब मैं आई शेडो पैलेट खोल के उसमें से आई शेडो लगाऊँगी। सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर उठाया और आई शेड पे आँखों पर अप्लाई किया। आँखों पर अप्लाई करने पूरी आँखों पर मैंने पहले ब्राउन कलर का शेड अप्लाई कर लिया, दोनों आँखों पे कर लिया। फिर उसके बाद मैं अच्छे से लगाऊंगी, अच्छे से लगाऊंगी, टैप टैप फिल करूँगी। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी आईलाइनर। तो अभी मैंने लगाने के बाद मैंने लगाया आईलाइनर।
मैं देखिएगा मुझसे क्या गलती होगी। पहले मैं आईलाइनर लगाऊंगी, ये वाला आईलाइनर तो मुझसे बिल्कुल सही लगा था। मैंने ये आईलाइनर लगाया और इसकी हल्की सी विंग बनाई थी मैंने, हल्की सी। फिर उसके बाद जब मैंने दूसरी आंखों पर अप्लाई किया तो वो किसी और तरह की विंग बन गई थी। मैंने बोला अब छोड़ो, अब मैंने रिमूव कर रही हूँ, जो हुआ देखा जाएगा। फिर अभी देखिएगा मैं अपनी मिस्टेक आपको बताऊँगी कि मुझसे ये वाला आईलाइनर कैसा लग गया, ये वाला आईलाइनर कैसा लगे। जो सीधी आँख वाला था वो बहुत ऊपर का हो गया था, जो उल्टी आँख वाला था वो नीचे की तरफ को हो गया था। मैं बोला छोड़ो अब दफा करो। फिर उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। मैं मस्कारा का दो कोट लगाऊँगी। ये फर्स्ट कोट लगा रही हूँ अच्छे से, मैं बगैर देखे लगा रही थी तो मेरी आंखों के अंदर मस्कारा चला गया था। तो फिर मैंने मोबाइल में देखने के बजाय मैंने मिरर में देखा और फिर वहाँ पर अच्छे से अपने मस्कारे को अप्लाई किया। दूसरी आंखों पर भी अप्लाई किया अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद मैंने, मतलब आप जिस तरह से आपको मस्कारा लगाना पसंद है आप उस तरह लगाएं, लेकिन मैं दो कोट लगाती हूँ, मैं लैशेज नहीं लगाती। अब उसके बाद मैं ब्लशर यूज़ करूँगी, शायद आपको कुछ पता नहीं है क्या यूज़ करूँगी। मैंने ब्लशर यूज़ नहीं किया, मैंने आई शेड में से एक पिंक कलर का शेड उठाया और उसको बिल्कुल कॉर्नर पर उसको ब्लेंड कर दिया, ताकि जो मेरा पिंक कलर का ब्लश है हल्का सा आई शेड में पिंक कलर का भी टच हो जाए। मैंने डार्क पिंक कलर का मैंने बिल्कुल ही कॉर्नर पर अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद, अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मेरी आँख का आई शेड का भी बहुत खूबसूरत हो गया था। और मैंने एक हाई लाइटर लिया, हाई लाइटर को बिल्कुल आई ब्रोज के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पर मैंने अप्लाई कर लिया अच्छे से, कि मेरे चाहे हाई लाइट करें। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने कॉर्नर पर भी मैंने अच्छे से हाई लाइटर को यूज़ कर लिया और लाइट कर रही थी कि अच्छा था। अब उसके बाद मैंने फिर ब्लशर ने मैंने मस्कारा यूज़ किया अच्छे से, दूसरा कोट मैंने मस्कारे की लगाई अच्छे से, मैंने मस्कारा लगा लिया, दूसरा कोट है ये मस्कारे का। अब मस्कारा अच्छे से अपने लैशेस को लगाने के बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लशर। फिर उसके बाद मैं अपने ब्लश को उठाऊंगी और फिर ब्लश यूज़ करूंगी। मैं दोनों मिक्स करूंगी, रेड एंड पिंक दोनों शेड मिक्स करके अच्छे से लगाऊंगी। कैमरे में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं कैमरे में देख के लगा रही थी तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। मैंने अपने मिरर में देखा तो पता चला कि बिल्कुल सही ब्लश ऑन लग रहा है। फिर मैंने अच्छे से अपने फेस पर ब्लश अप्लाई किया अच्छे से, चिक्स पे, नोज पे और हेड पे भी यूज़ किया, चिन पे भी यूज़ किया अच्छे से, मैंने ब्रश यूज़ किया। अब उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी। माय फेवरेट, मुझे सबसे अच्छा मेकअप में हाइलाइटर लगता है, तो अब मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी। चिक्स पे लगाऊँगी, अपने नोज पे लगाऊँगी और थोड़ी सी लिप्स पे लगाऊँगी, फॉरहेड पे लगाऊँगी, चिन पे भी लगाऊंगी। पूरे फेस को मैंने हाईलाइट कर दिया था। अब उसके बाद मैंने अपनी लिपस्टिक अप्लाई की, लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत शेड है, न्यू शेड है, बहुत खूबसूरत शेड है और लगा हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैंने अपनी मैट पिंक कलर की ग्लॉस को उसके ऊपर हल्का हल्का टैप टैप किया था। कैमरे में इतना अच्छा शेड नहीं दिख रहा, लेकिन रियल में इतना खूबसूरत का शेड लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब मेरी लिपस्टिक भी कंप्लीट हो गई, मेरा मेकअप तो बिल्कुल तकरीबन कंप्लीट हो गया है। और अब मैं अपने बालों को खोलूँगी और एक्शन मारूँगी। तो मैंने अपने बालों को खोला, कॉम किया, फिर उसके बाद डन से एक्शन मारूँगी और सही तरीके से दिखाऊंगा कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है।